कुछ दिन पहले पूरा गाजियाबाद दहल गया था जब एक लड़की के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई तो सभी का यही सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो इस मामले में आपको एक नया अपडेट बता दें। आपको बता दें कि गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए गैंगरेप की घटना के फरार 4 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गैंगरेप की जघन्य घटना में शामिल दूसरे बदमाश के भी पैर में गोली लगी है। घायल दूसरे बदमाश को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके 3 बाकी साथियों सहित कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में सनसनीखेज तरीके से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जुनैद और इमरान के साथ अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। पहले एनकाउंटर में जहां आरोपी बदमाश जुनैद की गोली लगी थी, वहीं दूसरे एनकाउंटर में भी गैंगरेप की घटना में शामिल बदमाश इमरान को पुलिस ने ढेर कर दिया। साथ ही इमरान के 3 साथियों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 30 नवंबर को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर स्कूटी सीख रही लड़की को खींचकर जुनैद ने अपने दोस्त इमरान और 3 और साथियों को बुलाया था। आरोप है कि तीनों बदमाशों ने बारी बारी से लड़की के साथ दरिंदगी की। पीड़िता की दोस्त को भी आरोपी जंगल में खींच रहे थे, लेकिन एक गाड़ी गुजरने की वजह से पीड़िता के साथ मौजूद दूसरी लड़की बच गई। स्वाद टीम ग्रामीण और थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस की तरफ से अपराधियों से मुठभेड़ में अपराधी गोली लगने से घायल हुआ, जिसके बाद उनके पास से तमंचा, जिंदा खोखा और कारतूस बरामद कर लिए गए। बता दें कि पूछताछ में बताया गया कि 30 तारीख की शाम को खानपुर में जंगल में 2 लड़कियां और 1 लड़का खड़े थे, जिनको देखकर आरोपी ने अपने बाकी साथियों को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने लड़की के साथ दरिंदगी की। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, चलिए सुनवाते हैं आपको। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में एक लड़की द्वारा लड़की से के साथ में गैंगरेप का सूचना दी गई थी, जिसका तत्काल अभियोग थाने में पंजीकृत कराया गया था। वह अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल ही टीमों का गठन कर उन्हें रवाना किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 3 दिसंबर 2023 को दोपहर में एक जगह पर सूचना मिली कि वो जो संदिग्ध अभियुक्त हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं, और जब उनको पकड़ा उसमें से एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया और बाकी 4 अन्य अभियुक्त भागने में सफल हो गए थे। और जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसके द्वारा इन बाकी के 4 फरार अभियुक्तों का नाम इत्यादि पता किया गया, व साथ ही जो है टीमों को सक्रियता को और बढ़ाया गया व उनकी कॉम्बिंग के लिए टीमें निकाली गई व पिकेट लगाई गई। इसी क्रम में आज रात में ही वो 4 अन्य अभियुक्त निर्मोही अखाड़ा आवास विकास क्षेत्र थाना ट्रॉनिका सिटी में देखे गए, और जब यहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुनः पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, और इसमें जवाबी फायरिंग में इन 4 अभियुक्तों में से 1 अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। वह अन्य 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ है। इन सभी 3 अभियुक्तों को दाखिल किया गया है और इन्हें आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस के कब्जे में 4 आरोपी हैं, लेकिन यहाँ पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि क्या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब लड़कियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बची हैं। गाजियाबाद से मैंगौर की रिपोर्ट, यूपी तक।